please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जी बाजी कल नहीं आए, आज तो मुलाकात होनी थी आपसे और आज तो आप भी मौजूद हैं बाजी, क्या बात है। और आज का जो मुद्दा है उसको बात करने से पहले, उस मुद्दे पे आने से पहले एक दो बातें जरूर साफ करनी चाहिए बाजी। सबसे पहली बात ये कि सावन का महीना है बाजी और लोग पूछते हैं कि, मैं देख रहा था आज, मैंने ट्विटर देखे, तमाम सारी गालियों से मुझे रोज नवाजा जाता है। कुछ लोग अच्छा भी लिखते हैं बाबूजी, लेकिन कुछ लोग मुझे गालियों से नवाजते भी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई मैं भी हिंदू हूं और हिंदू ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि सनातनी हिंदू ब्राह्मण हूं। उसके बावजूद भी लोग मुझे तमाम सारी गालियों से नवाजते हैं, तो सारी गालियां भी मेरे अंदर, क्योंकि शिव जी का मामला है। शिव जी ने तो क्या किया था मालूम है आपको? बीज पिया, विष तो पीना पड़ेगा जब आपको, जी ऑफकोर्स, जब आपको समाज में उतरना है तो विष तो पीना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मैं सनातनी हिंदू हूं, सावन का महत्व भी जानता हूं, कांवड़ का भी महत्व जानता हूं। कांवड़ का मतलब ये हुआ, भाई कोई जानता, कोई बताएगा मुझे कांवड़ का महत्व क्या हुआ? मैं बताता हूं, कांवड़ का मतलब ये हुआ कि परस्पर जो है शिव आपके साथ चलें, उनको लेकर चलें, तो ये हुआ मतलब। तो कांवड़ यात्रा है और ये मैं ये भी जानता हूं कि परिक्रमा का भी महत्व है। आप उससे ये भी पूछना चाहेंगे कि जीवन में परिक्रमाएं की आपने या नहीं की? राजकुमार जी, आप तो बहुत ज्ञाता आदमी हैं, तो कोई अगर ये पूछना चाहे कि आपने अपने जीवन, मेरे जीवन में मैंने परिक्रमाएं की या नहीं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक परिक्रमा खत्म की है। मैं परिक्रमा भी करता हूं और ये साफ गोई के साथ टेलीविजन पे कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे अपने धर्म और अपने विश्वास पर आस्था है। तशरीफ रखिए। लेकिन 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 मैं हिंदू जरूर हूं, लेकिन मैं उपद्रवियों के साथ कतई नहीं, माफ करना भाई, मैं उपद्रवियों के साथ कतई नहीं। और जो उपद्रव के नाम पर, और जो उपद्रव के नाम पर जो जायज ठहराया जाए उसके क्यों बिल्कुल खिलाफ हूं। तो बात, उपद्रवी हिंदू हो ही नहीं सकता। बाबूजी मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं, लेकिन फिर सवाल यह है कि है कैसे, वो लोग कौन है? फिर वो लोग कौन है? क्या कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं और पूरी की पूरी कांवड़ यात्रा पे सवाल खड़ा कर दे कोई? ये भी गलत है। मैं ये भी मानता हूं कि कांवड़ यात्री जितने हैं वो सब गलत हैं, ऐसा नहीं है। मैं इस मुद्दे पे आज बातचीत करूंगा, जरूर बुरे मन से बात करूंगा। मैं किसी को बुलाना चाहता था आज प्रोग्राम में, तो मैंने उनको फोन किया। एक मिनट भाई साहब, मैं किसी को बुलाना चाहता था आज अपने प्रोग्राम में, वो नहीं थे, तो मैंने उन्हें फोन किया। मैंने कहा आप अगर मेरे प्रोग्राम में आएंगे ऋतुराज जी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बोले प्रतीक मैं तो आज नहीं हूं, मैं बाहर हूं, जम्मू में हूं। तो मैंने कहा कि मैं आज इस पर शो कर रहा था। बोले गंगा को जो धारण करे वो ज्ञान को धारण करता है, और जो लटाएं हैं शिव की वो तो ज्ञान जब होता है तब उसके बाद तमाम शाखाएं निकलती है। आज बोलोगे आज पंडित जी क्या बात है, आज प्रवचन दे रहे हो, भाजी मेरी देख की तरफ मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन सच में मुझे बड़ा उस समय बहुत दुख होता है जब उपद्रव सड़क पर देखता हूं, नहीं होना चाहिए। और आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान, वो जिस मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करें, लेकिन वीरेंद्र हंस जी आज मौजूद हैं। वीरेंद्र जी मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, प्लीज आप खड़े होइए, पहले ताली बजा लीजिए और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कारण क्या है। हंस जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं लायंस क्लब के, बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे प्रोग्राम में आप आए। और कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम दिखाया था थैलीसीमिया पे मरीज जी, और वो प्रोग्राम ये था कि थैलीसीमिया पीड़ित लोग जो हैं बुलंदशहर से आते हैं, मनवीर जी खड़े हैं हमारे साथ, वो बच्चे तिल तिल करके मर रहे हैं। मेरी कांवड़ यात्रा वही है, मेरी कांवड़ यात्रा जो है वो यही है
तमाम लाखों लोग जाते हैं कांवड़ यात्रा पे, अगल बगल गांव की तरफ भी दृष्टि डाला करें। सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं करने को, लेकिन ठीक है, मैं खुद मूर्ति पूजक हूँ तो मूर्ति पे विश्वास भी करता हूँ। आप करिए, आप कांवड़ यात्रा से मुझे कोई द्वेष नहीं है। तो साहब मैं कह रहा था वो थैलेसीमिया के जो पीड़ित बच्चे जो आए थे करीबन 40-45, कितने मनवीर जी? सर 40-45 से ज्यादा थे। हाँ, लेकिन आज उनमें से कुछ बच्चों को ये लायंस क्लब के हंस जी जो हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, यही बात है ना सर? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उनको ब्लड चढ़ाना होता है, तो आप कितने बच्चों को आज आप अडॉप्ट करेंगे? सर मिनिमम 10 को और मैक्सिमम 20 बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे हम। मैक्सिमम 20 बच्चों को और 10 बच्चों को ये अडॉप्ट कर रहे हैं मनवीर जी। सर थैंक यू सो मच, तुम्हारी आपके लिए धन्यवाद। मुझे तो लगा कि आज मेरी कांवड़ यात्रा पूरी हो गई। इसमें कोई दोरा नहीं है कि आपकी कांवड़ यात्रा पूरी हो गई। और मनवीर, मैंने जब तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारी आंख में आंसू देखा, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान देखी, तो मुझे लगा कि मैंने शिव पर जल भी चढ़ा दिया। सर मैंने तो अपना पूरा जीवन ही इन बच्चों के लिए अर्पण कर दिया है। मुझे याद आ रहा है प्रधानमंत्री जी का केरल का वो बयान, कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अगर मेरे देश का कोई कोना पिछड़ता है तो मेरे यहाँ दर्द होता है। यहाँ तो पूरा देश ही थैलेसीमिया रोग से पीड़ित हो गया है। प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए आप, थैलेसीमिया वो जिसमें बच्चों को ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, महीने में एक बार, कभी कभी महीने में दो बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ब्लड की पूर्ति जो है नहीं हो पाती है। कुछ बच्चे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। जी हंस जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके टीम मेंबर राजीव अग्रवाल जी लॉयंस क्लब से, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो आप बच्चे अडॉप्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। लूंगा आपका जी। सर हमारा हरियाणा में ब्लड बैंक है सिरसा में जी, अगर कोई सैलिस में बच्चे सिरसा के हरियाणा के हों तो वहाँ भी हम 20 बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, अगर हरियाणा के लोग बच्चे हैं तो। बहुत बढ़िया हंस जी, आज मुझे लग रहा है कांवड़ यात्रा मेरी हो रही है, बिल्कुल यकीन मानिए। और मुझे मालूम है मेरे साक्षात शिव सामने बैठे हैं, दिख रहे हैं, मैं जल भी चढ़ा रहा हूँ उन पे। मुझे कहीं कोई इस बात को कहने में कहीं कोई हिचक नहीं है। जी कोई दवाई का पर्चा दिखा रहे हो? ये दवाई हमारे आम मेडिकल स्टोरों में नहीं मिलती है, जिनके कारण इन बच्चों की फेराटीन की मात्रा बढ़ जाती है। ये सिप्ला कंपनी की है और इसकी 1300 कुछ रुपए इसका रेट है। हमें ये एनजीओ से ही खरीदनी पड़ती है सर। अच्छा, फेराटीन जब बढ़ जाता है तो मतलब क्या होता है? सर उसकी फेराटीन हमारी 750 तक नॉर्मल रहनी चाहिए। और जब बढ़ जाए तो? अगर ये दवाई हम कंटिन्यू देते रहते हैं तो उनकी फेराटीन की मात्रा नॉर्मल रहती है। अगर जिन बच्चों के पास में खाने के लिए भी साधन नहीं है तो वो दवाई कहाँ से खिलाएं सर? कहाँ से खिलाएं? सरकार कह रही है, एमसीडी भी कह रही है कि हम दवाई हॉस्पिटल में पहुंचा रहे हैं, केंद्र सरकार भी कह रही है कि हम दवाई पहुंचा रहे हैं। सर कहाँ है, पूरे देश में देख लीजिए। तो आज जो कांवड़ यात्रा होनी है वो यही है। वो कहोगे अजीब सी बात करते हैं, मैं करता ही अजीब सी बात हूँ। अंक जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। राजीव जी थैंक यू सो मच, प्लीज आप एक चेयर लीजिए, आप प्लीज बैठिए। और मैं कहूंगा जो आपने मैक्सिमम 20 बच्चों को अडॉप्ट करने की बात कही है, हमने कहा हरियाणा में 20 बच्चे अडॉप्ट और कर लेंगे हम। आप 20 बच्चे और अडॉप्ट कर लेंगे हरियाणा में हो तो? हरियाणा में हो तो मैं कहूंगा मनवीर, हरियाणा के अगर कोई बच्चे हो तो उनको पास राजीव जी के पास तक लेके जाएं, वो अडॉप्ट करें, ब्लड का सही समुचित यहाँ पे उनको प्रबंध हो और दवाइयों का प्रबंध हो, इससे बेहतर कोई बात नहीं। हाँ सर बिल्कुल, मैं इनसे संपर्क करूंगा। अब जैसे ये हमारे प्रदीप जी हैं, इनके बच्चे का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, दिन दिन भटक रहे हैं, कहीं से कोई राहत इनको। और ये वो है, वो शख्स है, अब लगभग हफ्ते भर पहले आए थे, मैंने कहा था कहना नहीं चाहिए किसी बाप को, ये कहना कैसे मेरे जबान लड़खड़ा जाएगी, तो मैं कह रहा हूँ बच्चे तिल तिल कर जी रहे हैं, तिल तिल कर जी रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जी रहा हूँ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। बच्चे अडॉप्ट करने की बात कह रहे हैं, मुझे खुशी हुई कि भैया जी कहीं के माध्यम से कुछ तो हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई भाई साहब का ये कहने से कि वो अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई तो हमारी मदद के लिए खड़ा हुआ। मैंने इसीलिए कहा, मैं हंस जी राजीव जी आप दोनों का और आपके लॉयंस क्लब का बहुत आभारी हूँ जो आप प्रोग्राम देख के आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। लेकिन अब जब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ और वो ये है कि कांवड़ यात्रा, जी अब तो गंगा जल चढ़ाना है मुझे। जो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराना चाहूंगा। ऋतुराज जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, हमेशा आते रहे प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच। हमारे साथ HS रावत जी मौजूद,
धर्मदेशक हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जय भगवान गोयल जी हैं, बहुत लंबा संपर्क रहा है और हमारे साथ एक बार मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी बातचीत का सिलसिला जुड़ेगा। महासचिव हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट से, बहुत बहुत शुक्रिया। डीएन श्रीवास्तव साहब कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जाम में फंसे हैं। ये मत पूछिएगा क्यों, कोई अगर मैं कहूंगा कांवड़ यात्रा नहीं है तो लोग आप कहेंगे आप हर बात को वहीं घुमा के ले जा रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आ जाएंगे, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, कोई ऐसी बात भी नहीं, प्रोग्राम तो चलता रहेगा। डीएन श्रीवास्तव जी कुछ देर में मिलेंगे। हमारे साथ वाई राखी जी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच, हमेशा प्रोग्राम में शरीक होती हैं और अपनी बेबाक बात रखती हैं, आज एक बार फिर हमारे साथ। और पंडित राजकुमार जी शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन परंपरा को जानने वाले और सनातन परंपरा के अनुरूप बोलने वाले, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ प्रशांत वाल्मीकि जी मौजूद हैं जो बुलंदशहर से आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे भी आते रहेंगे, जब अपनी बात आएगी तो आप जरूर रखिएगा। और अरुण मल्होत्रा जी रेडी पटरी का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पहला सवाल मैं जानना चाहता हूँ राजकुमार जी, मैंने तो अपनी बात कह दी, मैंने तो गंगा जल चढ़ा लिया, अब आप बताओ कहाँ गंगा जल चढ़ाना है आपको? देखिए आज जो भी हो रहा है या जो भी खबर चल रही है, लगभग सभी टीवी चैनलों पर यह खबर चल रही है जी, कांवड़ी जो कांवड़ लेकर के चलते हैं जी, ये कोई आज की नई परंपरा नहीं है जो कि आरंभ हो गई है जी, जी। यह श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के 52 तीर्थों की यात्रा में निकले थे जी, और वह अपने कांवड़ पर ही, क्योंकि उनके आचार्यों ने कहा था जी कि अगर अपने कांवड़ पर बिठा करके तुम अपने श्रवण कुमार, अपने माता पिता को तुम 52 तीर्थों की यात्रा करा दोगे जी, तो तुम्हारे माता पिता को पुनः दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल, वो कहानी मालूम है, ये कांवड़ का बहुत बड़ा महत्व है जी। शास्त्रों में कांवड़ पर गंगा जल लेकर के चलने वाला स्वयं भगवान शिव का स्वरूप बताया गया मैंने है, कहा वह भगवान शिव का ही स्वरूप है जी, और ज्ञान और गंगा दोनों ही उनके साथ चलती हैं जी। और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार से अति प्राचीन सनातन परंपरा के साथ में, शास्त्रीय परंपरा के साथ में होने वाले, चलने वाले जो कि सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल अपनी जल कांवड़ लेकर के यात्रा करते हैं, उनकी अनेकों प्रकार की मन्नतें होती हैं, कोई संतान की कामना को लेकर, कोई पेट पूजा की, धन की, व्यापार की कामना को लेकर, कोई अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना को लेकर के यात्रा करता है जी। उनके साथ में इस प्रकार से दुर्व्यवहार करना और उनको अपमानित करना, मतलब कांवड़ यात्रा में जो आ रहे उनको अपमानित करना बहुत विचारणीय विषय है। उनको जबरदस्ती गाड़ी के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से कुचलने का प्रयास करना, यह बहुत दुर्भाग्य की विषय है, हम इसकी निंदा करते हैं जी। मैं आ रहा हूँ आपके पास जी। जी राजकुमार शास्त्री जी कह रहे हैं जो बात, मैं इस बात का बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि कांवड़ के यात्रा के दौरान किसी को अपमानित किया जाए, क्योंकि वो श्रद्धा के मार्ग पर है। लेकिन आपने इंक्वायरी की कि कांवड़ यात्रियों पे जिसने गाड़ी छेड़खानी की, इंक्वायरी का विषय है ना, क्या पता उसने जो गाड़ी वाला था उसने छेड़खानी की हो, क्या पता उसने गाड़ी लगाई हो, तो निश्चित पे कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश हो सकती है इसके अंदर। प्रतीक जी, कुछ बैड एलिमेंट ऐसे घुस जाते हैं जो उन कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें समय की हो सकते हैं, जिसमें अफीम की हो सकते हैं, या शराब पीने वाले हैं, उनको लगता है अच्छी सेवा मिलती है, अच्छा फ्रूट मिलता है, अच्छा खाने को मिलता है, मालपुआ मिलता है, लगा दो गाड़ी और बदनाम कर दो सनातन धर्म को। आप इंक्वायरी करिए ना पहले, कांवड़ियों के ऊपर उंगली तब उठाई जाए पहले कि उस व्यक्ति की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग, वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि इंक्वायरी का विषय है ये। राखी जी, एक मिनट। देखिए, मैं कांवड़ी भाइयों और बहनों के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन आपकी रिपोर्ट जो दिखा रही है वो एक्चुअली देश में हो रहा है। आप यकीन मानेंगे प्रतीक जी, आज सुबह 6 बजे उठ के मैं मंदिर जा रही थी, मैं हैरान हो गई, मैंने गाड़ी रोक दी, मुश्किल से 6 महीने के बच्चे को प्रेम में बिठाकर कांवड़ लेने जा रहे हैं, कैसा धर्म है? किसने कहा है कि आप 6 महीने के बच्चे को ये क्या दिखाना चाहते हो? कांवड़ अब कांवड़ और धर्म ना रहकर शोषापंथी हो गई है, धर्म बदनाम हो रहा है, लोग करते हैं 20 सड़क पर गाड़ी को रोक दिया जाता है, 20 सड़क में लोगों को निकलने दिया जाता है, महिलाओं का अपमान भी कांवड़िए करते हैं। हर कांवड़ के अगेंस्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन गलत चीजें हो रही है कांवड़ के नाम पर, उसे रोकना चाहिए। धर्म चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, गलत तो गलत है, गलत है। अगर कहीं कोई विसंगति आ रही है तो क्या विसंगति जो गलती है वो सुधारी नहीं जाएगी? सवाल ये भी है, बड़ा सवाल है जी। जय भगवान। एक भी पूरे हिंदुस्तान में ऐसी घटना नहीं हुई, एक ये जो कल घटना हुई है
हमें लगता है हमारे सनातन धर्म को कावड़ियों को बदनाम करने की साजिश है। आप कहें तो मैं लिस्ट पढ़ दूं। कल मैं बता रहा हूं, कल शाम को सीलमपुर के कावड़ में 5 मुस्लिम समाज के लड़के कावड़ प्रबंधक कमेटी ने पकड़े। मुसलमान कहां से आ गए? सुन लीजिए बात मेरी, कहां से नहीं आ गए, ड्रेस पहन के घूम रहे हैं वो ताकि कावड़ियों को बदनाम करने के लिए। आज पूरे देश में नवाज होती है, पुलिस का इंजाम लगता है। अगर हमारा कांवड़िया कांवड़ लेकर निकल रहा है कोई 500 किलोमीटर से कि 200 किलोमीटर लेकर चलता है, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है उसको बढ़िया व्यवस्था करके दे? सड़कों पर नमाज होती है, पुलिस लगती है, कहीं आता नमाज को अपनी गाड़ी नहीं चली कहीं पर भी, हर शुक्रवार को नमाज होती है। हिंदू धर्म इतना छोटा हो गया कि कोई भी उसके साथ खेल खेल लेगा। आप खुद एक धर्म के नेता होकर, एक धर्म के आचार्य होकर ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुसलमान सब करते हैं। मुझे लगता है अगर हिंदू के घर में दूध भी उबलेगा ना, उसके पीछे भी मुसलमानों का हाथ होगा, ऐसे लोगों की वजह से। मैं जानता हूं कि भजन कीर्तन की एक परंपरा रही है, बड़ी लंबी परंपरा है भजन कीर्तन की, और वैष्णव जो आंदोलन हुआ उसमें भजन से कीर्तन से भगवान को प्राप्त करने का एक साधन बताया गया। तो आजकल जो कांवड़ यात्रा में भजन कीर्तन चल रहा है उसका नाम है डीजे बजवा दिए योगी ने, भोले नचवा दिए योगी ने। बुराई क्या है? क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है। नचवा दिए योगी ने, भोले नचवा दिए योगी ने, बुराई क्या है? बुराई नहीं है। नाच रहे प्रसन्न हो रहे, क्या दिक्कत है? आगे 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 की हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश ने हुक्म सुनाया था, डीजे पर बैन लगाया था। अगर अखिलेश ने बैन लगाया है, अगर योगी ने ये बात बोली है, क्या डीजे कांवड़ में नहीं चलेंगे आप? तो क्या शमशान घाट में चलेंगे क्या डीजे? क्या बुराई है? जय भगवान जी, आप उस सनातन परंपरा के अनुयायी हैं जिसमें दधीच ने अपनी हड्डियां दे दी थी। आज भी देने को तैयार हैं, आज भी देते हैं। आपको आईना दिखाया जा रहा है, आज भी देने को तैयार हैं। आ रहा हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूँ कि सावन का पवित्र महीना है और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा होती है जो कि भगवान भोले को जल चढ़ाते हैं। कल महाशिवरात्रि है और हमारे यहाँ पर देवघर से लेकर के और जगह जगह पर देवघर बाबा धाम से लेकर के और जगह जगह हरिद्वार से जल उठा करके जल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी रही है जी। मेरा ये कहना है कि देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से हम लोगों ने जगह जगह पर में कांवड़ियों के रहने के लिए और सब चीजों के लिए इंतजाम किया है, खाने पीने से लेकर के टॉयलेट की व्यवस्था से लेकर तमाम चीजों की। लेकिन लाखों करोड़ों कांवड़ियों को हम गलत नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह रहा, कोई नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सबकी आस्था का और उसका सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन कांवड़ियों के भेष में जो गलत लोग शामिल हैं, जिस तरह का हुड़दंग मचा रहे हैं या जिस तरह का कल सीन देखने को मिला मोती नगर के अंदर में, वो बहुत शर्मनाक था। मुझे लगता है कि ऐसे गलत लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको सजा देनी चाहिए और पुलिस का इंतजाम बेहतर होना चाहिए कांवड़ियों के लिए। मेरा मानना है कि क्योंकि 4-5 दिन का जो ये समय होता है, आप हेलीकॉप्टर से भगवान हेलीकॉप्टर में बिल्कुल ऑफकोर्स आप हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप करें, बहुत अच्छी बात है। कांवड़ यात्रा पे जा रहा कोई तपस्या कर रहा है, आप पुष्प वर्षा करें, मुझे कोई एतराज नहीं। एतराज इस बात पर है कि आप मारपीट करें, हुड़दंग करें, उत्पात मचाएं, ये गलत है जी। मैं आ रहा हूं जी। देखिए, जो कांवड़ में जो कांवरिये हैं और जो भोले के भक्त हैं, भोले के भक्त उग्र हो नहीं सकते। जो कांवरिये में तो जो कौन भक्त है, कौन उग्र हो रहा है? कांवरिये में कुछ लोग ऐसे हैं जो असामाजिक तत्व आ गए हैं, जिनका उद्देश्य इसके जो कांवरिया का उद्देश्य है उसको भटकाना है। आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे लोगों को रोक क्यों नहीं रहे? देश को सुरक्षित क्यों नहीं कर रहे? मेरे कांवरिये भाइयों को सुरक्षित क्यों नहीं कर रही बीजेपी की सरकार? आप क्यों चुप है? अरे सारे खराब थोड़ी है, 6 माह का क्या, 6 महीने का बच्चा ले चला, ठीक है? ये मानवता का अधिकार है, ये मानवता का अधिकार है। अगर 5 महीने का, 6 महीने का, 2 बच्चे का बच्चा मेरा कांवड़ के कारण मुझे मिला है और मैंने बाबा के दुआ करी थी कि मेरे को बच्चा मिलेगा, मैं तेरी कांवड़ लेके आऊंगा, तो बुराई क्या है? मेरी आस्था है ये। You will get chance. मैं राखी मैडम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये राखी
ये 6 महीने के बच्चे के ऊपर सवाल उठा रही है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ दंगाइयों की बात हो रही है, ये 6 महीने के बच्चे की बात उठा रही है। ठीक है, तो आप ही बता दीजिए कि भक्ति की क्या एज होती है, किस एज से लोग भक्ति करें, हिंदू लोग क्या करें, आप ही बता दीजिए मैडम। ठीक है, अच्छा सवाल है तुम्हारा, अच्छा सवाल है। क्या नाम है तुम्हारा? संगम तिवारी सर। संगम तिवारी, तुम्हारा अच्छा सवाल है कि सवाल ये है कि 6 महीने के बच्चे को लेकर जाना सही है या गलत। मैं इस पर नहीं बात कर रहा हूँ, बहस आज इस बात पर हो रही कि उत्पात क्यों है। पंडित जी, उत्पात इस पर है। जी जी जी, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ चांस, ऑफ कोर्स यू विल गेट टाइम। 6 महीने के बच्चे को ले जाना गलत है, तो सड़कों पर दुर्घटना हो रही है, इतनी तेज म्यूजिक चलता है कि पीछे की गाड़ी का हॉर्न नहीं आता। कल को अगर उस छोटे मासूम बच्चे को कुछ होता है, एक तरफ हम बच्चों की बीमारी के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर बच्चे के साथ गलत हो रहा है, कांवड़ ले जाने का मतलब है शांति से कांवड़ ले जाना, सड़कों पर नाचना, सड़कों पर गाने गाना, तेज डीजे चलाना, ये कांवड़ कभी नहीं कहती। शांत मन से चित भोले का नाम लेके कांवड़ लेकर आओ। सवाल ये है कि क्या ये कांवड़ यात्रा है, क्या ये कांवड़ यात्रा है, क्या ये आदर्श कांवड़ यात्रा है? सवाल ये है, क्या ये आदर्श कांवड़ यात्रा है? इसमें डीजे है, इसमें डीजे के साथ शोर है, इसमें सब कुछ है, आनंद है, बहुत बड़े वाले आनंद भी है। तो सवाल ये है कि क्या ये आदर्श कांवड़ यात्रा है? और दूसरा बड़ा ये कि जो युवा निकल रहा है, जिसको शक्ति माना जाता है, उसके उसकी शक्ति का सही सदुपयोग है? पाजी करें, ब्रेक ले लो, अब आज ज्यादा प्रवचन हो गया, वक्त थोड़े से ब्रेक का।